आज तक आपने ये सुना होगा कि हमारे लिए पोषण और उसके लिए पौष्टिक खाना खाने की जरूरत कितनी है। काफी बार हम पौष्टिक खाने के कितने फायदे हैं उसके बारे में सुनते रहते हैं। जैसे कोई कहेगा कि हरी सब्जियां खाने से हेल्थ अच्छी रहती है, तो कोई कहेगा कि नॉनवेज में ज्यादा पौष्टिक तत्व मिलते हैं। उसमें भी आपको 10 लोगों से अलग अलग जानकारियां मिलेगी। जैसे कोई कहते हैं कि रोज एक एग खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो कोई बोलेगा एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर उससे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती है। देखा जाए तो ये सारी बातें उलझन में डालती है कि क्या सही है और क्या गलत, ये पता ही नहीं चलता। ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ होगा कि फूड पैकेजिंग पे लिखे न्यूट्रिटिव वैल्यूज अलग अलग होने के कारण कंफ्यूजन में डालते हैं। जैसे इस बात पे हम हेल्थ ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं। हेल्थ ड्रिंक सेम होते हैं, लेकिन उसके अलग अलग ब्रांड्स पैकेजिंग पे न्यूट्रिटिव वैल्यूज अलग डालते हैं, जिस कारण लोग अक्सर उलझन में पड़ते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। इन सारी बातों से एक ही सवाल आता है कि हमारा आहार विज्ञान इतना उलझा हुआ क्यों है? आखिर क्या वजह है कि हम सॉल्ट, शुगर, विटामिन न जाने ऐसी सब की जानकारी से इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के बारे में जानेंगे कि क्या वजह है कि आहार विज्ञान हमें इतना उलझन में क्यों डालता है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक निश्चित दृष्टिकोण से देखा जाए तो पोषण विज्ञान एक गड़बड़ की तरह ही लगता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई कहता है कि एग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कोई कहता है कि एग एक पौष्टिक तत्व है, जिस कारण लोग सही गलत समझ नहीं पाते हैं। इतना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बात पे लोगों को कंफ्यूज करने की कई सारी वजह हो सकती है। जैसे कोई एक रिसर्च स्टडी की कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करती है, तो दूसरे लोग उसी टॉपिक पे कोई ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन लाते हैं। जो लोग हेल्थ फिटनेस में इंटरेस्टेड होते हैं वो दो बातों के बीच कंफ्यूज रह जाते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत। लेकिन किसी भी बात को सही गलत प्रूफ करने के लिए काफी सालों से रिसर्च करना पड़ता है। जैसे आज तक जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, कोई भी चीज एक दिन या एक महीने में नहीं बनाई गई है। बहुत से रिसर्च करने के बाद कोई पक्का रिजल्ट मिला है, और काफी बार रिसर्च स्टडीज फेल भी हो जाती है। और यही वजह है कि न्यूट्रिशन साइंस हमें इतना कंफ्यूज करता है। आप इस बात से शॉक्ड रह जाएंगे कि न्यूट्रिशन साइंस केमिस्ट्री जितना पुराना नहीं है। इस बात को प्रूफ करने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहली बात कि आजकल लोग फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स को काफी महत्व देते हैं, लेकिन पहले के वक्त में ये सब न्यूट्रिएंट्स के नाम थे ही नहीं। पहले के वक्त यानी 1800 इयर्स पहले कि ये सब न्यूट्रिएंट्स के ना तो नाम थे ना ही जानकारी थी। उसके बाद ईयर 1900 तक विटामिन्स क्या होते हैं उसकी जानकारी भी किसी को पता नहीं थी। मतलब के किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सब पोषक तत्व की खोज होने की शुरुआत तब शुरू हुई जब दुनिया में कुपोषण और भूखमरी की समस्या बढ़ने लगी। दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के पहले काफी लोग पैसे की कमी के कारण भूखे रह जाते थे, जिस कारण कुपोषण और भूखमरी से लोग मरने लगे। तब इस बात पे खोज होने की शुरुआत हुई कि खाने में ऐसा क्या है कि जिस कारण लोग जिंदा रहते हैं, और खाना नहीं मिले तो हालत खराब हो जाती है। ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिन खाने के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। तो यार 1800 में किए गए रिसर्च से पता चला कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जैसे पोषक तत्व की जरूरत होती है। स्कर्वी जैसी बीमारी जो विटामिन सी की कमी के कारण होती है, उसका ट्रीटमेंट पहली बार ईयर 1842 में किया था। आज जिन विटामिन के बारे में हम जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, B5, B6 और के जैसे विटामिन ईयर 1900 में डिस्कवर हुए थे। ईयर 1970 से पहले लोगों को हार्ट डिजीज और लो HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी बातों की कोई जानकारी नहीं थी। 1970 में पहली बार इसकी खोज हुई हार्ट डिजीज की वजह क्या हो सकती है। इंसान को पौष्टिक खाने की जरूरत क्यों है उसकी जानकारी ईयर 1800 और 1900 के दौरान मिली। पर हम जो हमेशा उलझे हुए रहते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए क्या सही है क्या नहीं, उस उलझन की भी दो वजह है। पहली वजह ये है कि न्यूट्रिशन पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के अलग इन्फॉर्मेशन। इन दो वजह के कारण हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि खाने की चीजों का एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? कोई भी खाने की चीज या दवाई का एक्सपेरिमेंट जानवरों पे किए जाते हैं। सबसे पहले ऐसे एनवायरनमेंट ईयर 1963 में
लुईस डेहल ने की थी। रेट्स को ज्यादा नमक वाला खाना दिया, जिस कारण उसे पता चला कि ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर होता है। उस वक्त से आज तक जानवरों को एक्सपेरिमेंट्स मॉडल समझा जाता है, जिस कारण ये कंफ्यूजन होता है कि किसी चीज का जानवर पे उल्टा रिएक्शन हुआ तो वो इंसानों पे भी होगा। पर क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि जानवरों की लाइफस्टाइल और खाने की आदत बहुत अलग होती है। माना हम इंसान भी एक प्रकार के जानवर जैसे ही है, पर हमारी बॉडी सिस्टम और जानवरों की बॉडी सिस्टम में काफी फर्क भी है। तो ये एक वजह है कि जिस कारण खाने की पौष्टिक चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के कारण जो रिजल्ट्स मिलते हैं उस पे हेल्थ इंडस्ट्रीज और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट लोगों को कंफ्यूजन में डालती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई कहेगा कि दिन में एक बार एक खाना अच्छा है, तो कोई इस बात पे कहेंगे कि एग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसी तरह से कंपनी जो न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स बनाती है उस पे चीजों की पैकेजिंग ऐसे ही करते हैं जो लोगों को प्रभावित करे। खासकर जब सेम प्रोडक्ट होते हैं तब अपने कॉम्पिटिटर्स से ऑपोजिट एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। ऐसे कई एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे जिसमें प्रोडक्ट सेम होते हैं पर उसपे लिखे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अलग होते हैं। खासकर जो हेल्थ ड्रिंक्स और वेट गेन या लॉस करने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं उसपे लोगों को एडवर्टाइजमेंट से काफी प्रभावित किया जाता है। आज जैसे डायबिटीज की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस वजह से नो शुगर या फिर लेस शुगर जैसे जूसेस मिलते हैं, लेकिन इन जूसेस में शुगर के बदले फ्रुक्टोज या कॉर्न सिरप जैसे स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है, और देखा जाए तो ये स्वीटनर्स नॉर्मल शुगर से ज्यादा स्वीट होते हैं। तो इस तरह से लोगों के माइंड में हर एक बात का कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। केमिस्ट्री रिसर्च जितना पुराना और डेवलप्ड है, जिसमें काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद कोई करेक्ट रिजल्ट मिलता है, उसके कंपैरिजन में न्यूट्रिशन रिसर्च काफी यंग है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, भूखमरी और कुपोषण के कारण पौष्टिकता और खाने की जरूरतें क्यों है उसके बारे में पता चलने लगा। पहले 200 इयर्स में न्यूट्रिशन साइंस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं था, जिस कारण हम न्यूट्रिशन फैक्ट से आज भी कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आपके हमारे इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।